गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मामूली टेक्नोलॉजी। तो आज हम HTML वेब पेज पर लोडिंग टेक्स्ट एनिमेशन बनाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहले हम टेक्स्ट एडिटर को ओपन करके HTML स्ट्रक्चर लिखेंगे। और टाइटल टैग के अंदर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ टेक्स्ट एनिमेशन। यहाँ पर बॉडी के अंदर मैं एक एक्शन टैग को ओपन करती हूँ और यहाँ पर मैं देखती हूँ लोडिंग टेक्स्ट। और अब H1 को मैं यहाँ पर डाटा टेक्स्ट देती हूँ लोडिंग टेक्स्ट। तब मैं फाइल में जाकर इसे सेव करती हूँ और ये हमारा वेब ब्राउजर है जिसमें हम आउटपुट देखेंगे। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करती हूँ तो देखिए ये हमारा लोडिंग टेक्स्ट आ गया है। और मैं यहाँ index.html से बॉडी को यहाँ से कॉपी करती हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करती हूँ। कर्ली ब्रेसेस ओपन। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ हार्स 0E2646। फॉन्ट फैमिली मैं यहाँ पर एरियल कर देती हूँ और index.html से मैं इसे लिंक दे देती हूँ style.css। तब मैं फाइल में जाकर इसे सेव करती हूँ और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करती हूँ। और index.html से मैं H1 को यहाँ से कॉपी करती हूँ और मैं इसे पेस्ट करती हूँ। कर्ली ब्रेसेस ओपन। मैं यहाँ मार्जिन दे देती हूँ 0, पेडिंग दे देती हूँ 0 और टॉप दे दिया 50%, लेफ्ट दे दिया 50%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट कर दिया -50%, स्पेस -50%, पोजीशन कर दिया यहाँ पर मैं एब्सोल्यूट और फॉन्ट साइज में यहाँ पर कर दिया 5 PM। कलर दे दिया हर्स 8694A1। तो मैं कंट्रोलर्स सेव करती हूँ और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करती हूँ। देखिए हमारा बैकग्राउंड कलर आ गया है और यहाँ पर हमारा लोडिंग टेक्स्ट भी आ गया है। और index.html से मैं यहाँ फिर से चैन को यहाँ से कॉपी करती हूँ और यहाँ पर पेस्ट करती हूँ और यहाँ पर मैं लिखती हूँ कलन बिफोर कर्ली ब्रेसेस ओपन। मैं यहाँ कंटेंट करती हूँ ATTR डाटा टेक्स्ट। पोजिशन यहाँ पर मैं कर देती हूँ एब्सोल्यूट और यहाँ पर मैं कर देती हूँ
overflow hidden max width यहाँ पर मैं दे देती हूँ 7 PM वाइट स्पेस यहाँ पर मैं दे देती हूँ। नाउ रैप कलर यहाँ मैं दे देती हूँ वाइट और यहाँ मैं एनिमेशन कर देती हूँ एनिमेटेड फॉर सेकेंड लिनियर इन्फिनिट। तो मैं फाइल में जाकर इसे सेव करती हूँ और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करती हूँ। देखिए ये हमारा आ गया है लोडिंग टेक्स्ट। यहाँ पर मैं लिखती हूँ @ keyframes animated अगर मैं 0% कर देती हूँ कर्ली ब्रेसेस ओपन पर मैं मैक्स वाइट देती हूँ 0 और इससे मैं सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करती हूँ। तो देखे ये हमारा एनिमेशन तैयार हो गया है। यहाँ पर टेक्स्ट था इसका शैडो यहाँ पर रखकर लोडिंग के पास टेक्स्ट आ गया है। तो देखिए ये हमारा कैसे लोडिंग हो रहा है लोडिंग टेक्स्ट। तो आज हम HTML वेबपेज पर इजीली कैसे लोडिंग टेक्स्ट एनिमेशन बनाएंगे वो जान चुके हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।